ओम शांति। मुरली का तारीख है 5/5/2021। बाप दादा मधुबन मीठे बच्चे श्रीमत पर चलकर सबको सुख दो। असुरी मत पर दुख देते आए अब सुख दो सुख लो। प्रश्न, बुद्धिवान बच्चे किस रास को समझने के कारण ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं? उत्तर, वे समझते हैं कि या दुख और सुख हार और जीत का खेल है। अभी आधा कल्प सुख का खेल चलने वाला है, वहां किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। अब नई राजधानी आने वाली है, उसके लिए बाप अपना परम दाम छोड़कर हम बच्चों को पढ़ाने आए हैं। अब पुरुषार्थ कर ऊंच पद लेना ही है। गीत बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने अर्थ समझा, यहाँ कोई कसम खाने की दरकार नहीं है, या तो आत्मा में समझ चाहिए। आत्मा तमो प्रदान होने के कारण बिल्कुल ही बेसमझ हो गई है। बच्चे जानते हैं हम कितने बेसमझ थे, अब कितने समझदार बने हैं। दूसरे सत्संग आदि में यहाँ बातें होती नहीं, वहां शास्त्र रामायण आदि पढ़ते हैं। एक कान से सुना दूसरे कान से निकल जाता है, कोई प्राप्ति नहीं। यज्ञ तप दान पुण्य आदि बहुत करते हैं, धक्के खाते रहते हैं, प्राप्ति कुछ भी नहीं। इस दुनिया में कोई को सुख है नहीं। अब बाप सारी समझ देते हैं सबको, सुख शांति देने वाला एक ही बाप है। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है, भक्ति मार्ग वाले भी याद करते रहते हैं। हे दुख हरता सुख करता सदगति दाता, देखो दुनिया में क्या लगा पड़ा है, सबको दुख लगा ही रहता है। जो भी मनुष्य मात्र है, किसी को भी यह पता नहीं है कि बाप कौन है, बाप से क्या वर्षा मिलता है। बेहद के बाप को जानते ही नहीं, धक्के काते रहते हैं शांति के लिए। अब यह किसने कहा कि मन की शांति चाहिए, आत्मा कहती है। यहाँ भी मनुष्य नहीं जानते हैं, देह अभिमान है ना। साधु संत आदि सब दुखी है, सब शांति चाहते हैं। बीमारी आदि तो साधु संतों को भी होती है, एक्सीडेंट होते हैं। दुनिया में दुख के सिवाय और कुछ तो है ही नहीं। अभी तुम बुद्धिमान बने हो, बाप ने समझाया है। ड्रामा के अंदर नई दुनिया और पुरानी दुनिया, सुख और दुख का खेल बना हुआ है। बाप ने तुम्हारी बुद्धि का ताला खोला है और सब मनुष्य मात्र की बुद्धि को गादरेज का ताला लगा हुआ है। बिल्कुल ही तमो प्रदान बुद्धि है। तुम बच्चे नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, बरोबर बेहद का बाप मिला है। वह हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाते हैं कि यह केल कैसे बना हुआ है। जब सुख होता है तब दुख का नाम नहीं होता। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम बाप से सुख शांति संपत्ति का वर्षा ले रहे हैं। सत्युग से लेकर त्रेता अंत तक कोई दुख नहीं होगा। अब तुम रोशनी में हो, तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, अपनी राजधानी में एक दो से ऊंच पद पाए। यहाँ स्कूल है बेहद का बाप पढ़ाते हैं। तुम जानते हो वह हमारा मोस्ट बिलवेड बाप है, जिसकी अपरम अपार महिमा है। वह ऊंचते ऊंच बाप श्रीमत देते हैं। बाकी सब मनुष्य मात्र असुरी मत पर एक दो को दुख ही देते हैं। बाकी सब मनुष्य मात्र असुरी मत पर एक दो को दुख ही देते हैं। तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है। इस ड्रामा में हम एक्टर्स है या कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चे अब समझते हो, इस ड्रामा में भारतवासियों का ही ऑलराउंड पार्ट है। आगे तो तुम कुछ भी नहीं जानते थे, अब तो मूल वतन से लेकर सूक्ष्म वतन स्थूल वतन सबको तुम जान गए हो। तुमको सच्चा ज्ञान है। परमपिता परमात्मा हमको इन द्वारा पढ़ा रहे हैं। बाबा हमको
त्रिलोक का सारा ज्ञान दे रहे हैं। यहाँ है ही कांटों का जंगल, बच्चे जानते हैं अभी हम कांटों से फूल अर्थात मनुष्य से देवता बनते हैं। यहाँ तो छोटे बड़े सब दुख देते हैं, गर्भ में माता को बच्चे दुख देते हैं। यहाँ बहुत ही चीची पुरानी दुनिया है, इस सृष्टि चक्र को कोई भी नहीं जानते हैं। हम कहाँ से आए, कितने जन्म लिए, फिर कहाँ जाना है, कुछ भी नहीं जानते। बेहद का बाप अर्थात सब सीताओं का एक राम वहां निराकार है। तुम सभी सीताएं हो, बाप है ब्राइड ग्रूम, एक साजन की सब सजनिया भक्तिया है। जो भी सीताएं है सब रावण की जेल में फस शोक वाटिका में आ गई है। सारी दुनिया के सब मनुष्य मात्र एक भगवान को याद करते हैं, भक्तों का रक्षक भगवान को कहते हैं। तुम सब अभी ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हो, ब्राह्मण जानते हैं हमको शुबाबा पढ़ा रहे हैं। बाबा से वर्षा जरूर मिलता है, शुबाबा है स्वर्ग का रचयिता, स्वर्ग कहो अथवा दैवी राजधानी कहो। या स्वर्ग की राजधानी है ना, लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक है। या भी अभी तुम समझते हो, यह जब सतयुग था तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी है कलयुग। मनुष्य तो बिचारे गोर अंधियारे में होने के कारण कुछ भी जानते ही नहीं कि अभी कलयुग का अंत है, विनाश सामने खड़ा है। तुम सब सीताओं का सदगति दाता एक राम है। सीताएं सब दुर्गति में है, परंतु यहाँ कोई समझते तोड़े ही है कि हम दुर्गति में है। अपने सहकारी का ही नशा है, हमको इतने मकान है, इतना धन है, इतने महल है, किसी को भी पता नहीं कि दुख की दुनिया अब बदलनी है। मौत सामने खड़ा है, सब मिट्टी में मिल जाना है। या जो कुछ पुरानी दुनिया में देखते हो विनाश हो जाएगा, विनाश के लिए पूरी तैयारियां हो रही है। या वही महाभारत लड़ाई है, वही गीता का भगवान है, परंतु बाप की बायोग्राफी में बच्चे का नाम डाल दिया है, अब शुबाबा तुमको राजयोग सिखा रहे हैं। बड़े ते बड़ी भूल ही यहाँ है जो भगवान का नाम गुम कर दिया है। तुम बच्चे जानते हो हमको कोई मनुष्य साधु संत आदि नहीं पढ़ाते हैं, शुबाबा हमको पढ़ाते हैं। वहाँ बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, सब कुछ है। या तो नहीं बोलना चाहिए ना, बाप कहते हैं हमारे सब बच्चे हैं, परंतु सभी को तोड़े ही पढ़ाएंगे। बाप कहते हैं हम भारतवासियों को फिर से राजयोग सिखाने आए हैं। भारतवासी स्वर्गवासी थे, हीरे मिसाल थे, अब कौड़ी मिसाल बन पड़े हैं। घर में कितनी अशांति है, कहते हैं बाबा हमको क्रोध आता है, बच्चों को मारना पड़ता है, डर लगता है। हमने पांच विकार शुबाबा को दान में दे दिया है, फिर हम यहाँ क्यों करते हैं? बाप समझाते हैं इस समय सभी पर पांच विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। देह अभिमान का भूत आने से फिर सब भूत लग जाते हैं। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, अभी तुमको समझ मिली है। सतयुग में भी हम आत्म अभिमानी थे, समझते हैं आत्मा का या शरीर अब पुराना हुआ है, आयु पूरी हुई है, इसीलिए या शरीर छोड़ अब नया लेना है। सर्प का मिसाल, सर्प की एक काल पुरानी होती है तो फिर दूसरी नई ले लेते हैं। या दुष्टांत है सतयुग के लिए, वहां तुम ऐसे शरीर छोड़ते हो दुख की कोई बात नहीं रहती। यहाँ कितना दुख होता है, रोना पीटना आदि रहता है। अब तुम बच्चे जानते हो या पुरानी काल है, यहाँ कोई नया काल नहीं मिलनी है, या अंतिम पुरानी जुत्ती है। अभी तुम इससे तंग हो गए हो, वहां खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। इन बातों को तुम समझते हो, यहाँ कितने नए आते हैं, समझते तोड़े ही हैं। दो चार रोज यहाँ से समझकर जाते हैं,
फिर भूल जाते हैं। हाँ, अच्छी रीति सुना, खुशी हुई तो प्रजा में आ जाएंगे। प्रजा भी तो ढेर बननी है ना। यह है ईश्वर का दर अथवा घर। तुम ईश्वर के घर में बैठे हो। परम पिता अपना परम धाम छोड़ यहाँ साधारण तन में आकर बैठा है। वहां तो बाप के पास आत्माएं रहती हैं। इस संगम पर बाबा खुद आया है पतितों को पावन बनाने। उनको शिव निराकार ही कहते हैं। निराकार बाबा को आत्माएं वो गॉड फादर कह पुकारती हैं। मनुष्य बिगर समझ के कह देते हैं वो गॉड फादर। इन लक्ष्मी नारायण को भी यूरोपियन लोग भगवती भगवान कहते हैं। उनको ऐसा किसने बनाया? इन देवताओं को कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो। फिर खुद को क्या कहते हैं? या नहीं जानते कि यहाँ भी मनुष्य है? भारत में ही राज्य करके गए हैं। उनके आगे जाकर महिमा गाते हैं। अपने को नीच पापी कहते रहते हैं। कृष्ण के मंदिर में भी जाकर महिमा करेंगे। शिव की भी या महिमा नहीं करेंगे? उनकी महिमा अलग है। अक्सर करके शिव के पास जाते हैं तो कहते हैं बर्दो जोली। फिर कह देते हैं वहां बांग पीने वाला है, दतुरा खाने वाला है। अरे वहां बांग दतुरा कहां से आई? कुछ भी समझ नहीं है। मांगते रहते हैं पति चाहिए या चाहिए। दीपावली पर भी लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। वहां कौन है या किसी को पता नहीं है। 8-10 बुझाए कभी होती है क्या? या चतुर्भुज का रूप दिखाते हैं क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है। उनका नाम विष्णु रख दिया है। लक्ष्मी नारायण तो सत्युग में रहते हैं। मनुष्यों को यह पता नहीं कि विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण द्वारा पालना होती है। चित्रों में लक्ष्मी को 4 भुजाएं दे देते हैं। 4 भुजा वाले को बच्चा होगा तो उनको भी 4 भुजा होनी चाहिए। कुछ भी समझते नहीं है। तुम अभी समझते हो बाबा जब तक नहीं आए थे तो हम भी कुछ नहीं जानते थे। अभी सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। बाप आकर पतित दुनिया को पावन बनाते हैं, बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। अब परमात्मा कैसे आए, कैसे आकर पतितों को पावन बनाए? बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले हमने दैवी स्वराज्य बनाया था। फिर तुमने 84 जन्म कैसे लिए? या समझ आगे तुम्हारी बुद्धि में बिल्कुल नहीं थी। इस ब्रह्मा को भी पता नहीं था। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण की पूजा करते रहते हैं परंतु यहाँ भी पता नहीं कि राधे कृष्ण ही स्वयं वर के बाद लक्ष्मी नारायण बने हैं। इसीलिए प्रिंसेज राधे प्रिंस कृष्ण कहा जाता है। स्वयं वर के बाद महाराजा महारानी बनते हैं। या जो खुद बन रहे हैं उनको भी पता नहीं था। बल कोई को दीदार भी होता है परंतु कुछ भी समझते नहीं। फिर भी भक्ति की भावना अल्पकाल के लिए पूरी करने में साक्षात्कार कराता हूं। यहाँ तो ध्यान दीदार की बात ही नहीं। बाप समझाते हैं साक्षात्कार में माया प्रवेश कर लेगी तो तुम पदभ्रष्ट हो पड़ेंगे। बहुत आकर कहते हैं हमको शुबाबा का साक्षात्कार हो। अरे तुमको समझाया जाता है फायरफ्लाई कितना छोटा होता है, आंखों से देखा जाता है। आत्मा तो उससे भी छोटी बिंदी है। जैसे आत्मा है वैसे ही परमात्मा का रूप है। साक्षात्कार भी होगा तो उसी छोटी बिंदी का होगा। वहां तो छोटी सी बिंदी है जो ब्रुकुटी के बीच में रहती है। आत्मा का साक्षात्कार हो तो भी समझेंगे कुछ नहीं। तुम बच्चे जानते हो अभी हम शुबाबा की संतान हैं। सब ब्रह्मा कुमार कुमारिया शुबाबा से वर्षा ले रहे हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट ही यहाँ है। स्टूडेंट है ना, तुम कहते हो बाप से सहज राजयोग सीखने आए हैं। या एम ऑब्जेक्ट है या बच्चों को भूलना नहीं चाहिए। भक्ति मार्ग में भक्त लोग देवताओं के चित्र
साथ में रखते हैं, फिर तुमको या त्रिमूर्ति का चित्र पॉकेट में रखना चाहिए। इस शुभाबा द्वारा हम यहाँ लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट, शुभाबा को विकारों का दान देकर फिर कभी वापस नहीं लेना है। देहाभिमान के भूत से बचना है। इस भूत से सब भूत आ जाते हैं, इसीलिए आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। सेकंड पॉइंट, ध्यान दीदार की आशा नहीं रखनी है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है। श्रीमत पर सबको सुख देना है। वरदान, स्वयं की स्मृति में रह अपने हर कर्म को नियम बनाने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। जैसे साकार में स्वयं की स्मृति में रहने से जो कर्म किया वही ब्राह्मण परिवार का संयम बन गया। स्वयं के नशे में रहने के कारण अथॉरिटी से कह सकते थे कि अगर साकार द्वारा कोई उल्टा कर्म भी हो गया तो सुल्टा कर देंगे। स्वयं के स्वरूप की स्मृति में रहने से या नशा रहता है कि कोई कर्म उल्टा हो ही नहीं सकता। आप बच्चे भी जब स्वयं की स्थिति में स्थित रहो तो जो संकल्प चलेगा, जो बोल बोलेंगे वह कर्म करेंगे, वही नियम बन जाएगा। श्लोगन, पवित्रता का पिलर मजबूत करो तो यह पिलर लाइट हाउस का काम करता रहेगा। अच्छा, ओम शांति।